दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है, यानी अरविंद केजरीवाल की होली ईडी की कस्टडी में बीतेगी। दरअसल पीएमएलए कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक के लिए ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। केजरीवाल को अब 28 मार्च को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी की ओर से 10 दिन की रिमांड मांगी गई थी। 28 मार्च तक ईडी रिमांड पर भेजे जाने के फैसले पर आतिशी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम बहुत ही सम्मानपूर्वक और विनम्रतापूर्वक अदालत के फैसले से असहमत हैं। कि हम कोर्ट के फैसले से सम्मानपूर्वक असहमत हैं, विनम्रतापूर्वक असहमत हैं। आज के दिन में ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी उन्हें 1 रुपया भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं मिला है। जो उनका पूरा केस है वो ऐसे विटनेसेस के आधार पर बना हुआ है जिनको पहले गिरफ्तार किया जाता है, उन पे दबाव बनाया जाता है और फिर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान दिए जाते हैं। चाहे राघव मगुंटा हो, चाहे शरद रेड्डी हो, जिनके आधार पर ईडी ने पूरी अपनी रिमांड एप्लीकेशन बनाई है। जब उनकी पहले क्वेश्चनिंग हुई वो कहते हैं हम आम आदमी पार्टी के किसी नेता को नहीं जानते, हम विजय नायर को नहीं जानते, हम अरविंद केजरीवाल से नहीं मिले, हमने किसी को कोई पैसे नहीं दिए। गिरफ्तारी के बाद उन पे दबाव बनाया जाता है, उनसे आम आदमी पार्टी के खिलाफ स्टेटमेंट्स लिए जाते हैं और जैसे ही वो स्टेटमेंट दे देते हैं कुछ दिन में उनको बेल दी जाती है। तो ये बिल्कुल साफ है कि ये जो सारे बयान हैं ये फर्जी हैं, ये सारे बयान दबाव पूर्वक लिए गए हैं और मुझे उम्मीद है हम पूरी न्यायपालिका पे ये अपनी उम्मीद ये कायम रखते हैं कि वो इस बात को देखेंगे कि इस केस में कोई भी प्रमाण नहीं है और इस केस में न्याय होगा। आपको बता दें, दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में ईडी ने सीएम केजरीवाल को 9 बार समन भेजा था, लेकिन सीएम केजरीवाल के कई बार समन को ठुकराने के बाद 21 मार्च को ईडी खुद सीएम केजरीवाल के घर पहुंची और लगभग 2 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।